नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पीक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी पहला नंबर चैप्टर का आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं हिस्ट्री के। दोस्तों जिस तरह से पहला नंबर चैप्टर में क्या है कि ईट मनके तथा अस्थियाँ, दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में आप और भी वीडियो लाने के लिए बोलिए, और अगर अच्छा नहीं लगे तो कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ भी कमेंट कर दे, क्योंकि हमको पता चले कि किस तरह से वीडियो बनाकर लेकर आऊं जो सभी को अच्छा लगे। तो चलिए आज का वीडियो क्या है शुरू करते हैं। सवाल पहला नंबर देख पा रहे होंगे आ चुकी है पूरी तरीके से, तो वीडियो थोड़ा सा अक्षर आप लोगों को छोटा दिखेगा, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, मैं जो है पूरी डिक्लेयर करते जाऊँगा वीडियो को। तो देखते हैं पहला नंबर सवाल क्या है। इस तरह से देख पा रहे होंगे, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए, इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूह की पहचान कीजिए। तो इसका जो है वहाँ के लोग भोजन क्या क्या खाते थे, क्या क्या खाने का शौक रखते थे, और उनको उपलब्ध कौन कराते थे उनके भोजन को। तो देखते हैं उत्तर नंबर क्या है, एक देखते हैं क्या है। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची देख लेते हैं क्या है, जैसे क्या क्या खाते थे वो लोग। गेहूँ, जौ, चावल, राई, तिल, मटर, ज्वार, बाजरा, पेड़ पौधे के उत्पाद जैसे नींबू, खजूर, अनार, नारियल आदि, और भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि को दूध के लिए पालते थे। और नीचे देख लेते हैं थोड़ा सा स्किप करके क्या है, जानवरों जैसे भेड़, बकरी, सांभर, बारहसिन्हा और सुअर का मांस खाते थे। तो वो लोग मांस भी खाया करते थे। अब देखते हैं थोड़ा सा स्किप करके क्या है, तो इसका भोजन जो है कौन लाया करते थे, कौन उन लोग को जो है उपलब्ध कराते थे जो वहाँ के लोग खाया करते थे। तो क्या है, उनके भोजन में मछली भी शामिल होती थी। उपयुक्त वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूह निम्नलिखित थे, जैसे कि किसान जो है खेती करते थे, अब पशुपालक जैसे गाय भैंस बकरी को पालते थे और उसका दूध जो है लाकर देते थे, अब मछुआरे मछली पकड़कर लेकर आते थे और वहाँ के लोग खरीदते थे और खाते थे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर दूसरा आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है क्या है, कि क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है, अपने उत्तर के कारण बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, हाँ मैं इस तथ्य से बिल्कुल सहमत हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों में जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है, ऐसा मानने के निम्नलिखित कारण है। वहाँ के जो है जल किस तरह से निकाला जाता था, उसको कारण मतलब कैसे था निकाला जाता था, और वहाँ के किस तरह के कारण थे, क्या कारण थे कि जल प्रणाली निकास प्रणाली बनाया गया था। तो हम लोग आंसर देख लेते हैं कैसे क्या था। तो हड़प्पा संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जल निकास प्रणाली थी। मकानों से गंदा पानी निकलने के लिए नलियों की उत्तम व्यवस्था की गई थी, क्योंकि वहाँ जो है नगरीय क्षेत्र था, जैसे शहर के लोगों जैसे देखते हैं कि शहर में जो है नालियाँ बनी रहती है, उसी तरह से वहाँ भी शहर थी, नगरीय व्यवस्था थी। तो अब देख लेते हैं, सारे नगर में छोटी बड़ी नालियों का जल सा बिछा हुआ था, बड़ी बड़ी नालियों सड़क और गली के दोनों तरफ पक्की ढकी हुई बनी थी। ये नलियाँ बड़े नालों में जाकर गिरती थी, तो नाली जो है नाली बनी हुई रहती है, तो वो बड़े नाली पर जाकर गिरती थी, उसके पानी जो है गंदी पानी तो वो नालियों में जाकर बहती थी और बड़े जो है गड्ढा में जाकर गिरती थी। अब देखते हैं क्या है, नालियों में प्लास्टर, मिट्टी, चूने, जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। सभी शहरों
के बड़े छोटे घरों में अपना स्नान घर और आंगन अवश्य होते थे। तो दोस्तों ये जाहिर सी बात है, जहाँ अगर शहरीय नगरीय जो क्षेत्र होगा वहाँ जो है अपना अपनी एक स्नान घर और आंगन भी होता था, और हम लोग के इधर जो है कम हुआ करता है क्योंकि इधर जो है काफ़ी जगह की कमी है। तो दोस्तों देख लेते हैं अब फिर क्या है, सभी शहरों के सॉरी इस प्रकार की जाल निकास प्रणाली से ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नियोजित ढंग से नालियों के साथ साथ गलियों को बनाया गया था और गलियों और सड़कों को दोनों तरफ आवासों का निर्माण किया गया था। सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जल निकास प्रणाली इस प्रकार की उत्तम व्यवस्था इस बात की ओर संकेत देती थी कि हड़प्पाई लोग सफाई और स्वास्थ्य पर ध्यान देते थे। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से हम लोग जान चुके। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा जो है दिक्कत होती है क्योंकि ये जो है छोटा अक्षर है, तो थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत होती है, लेकिन आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं बोल करके आप लोगों को पूरा क्लियर बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों आज जो है पहला सब्जेक्टिव का क्वेश्चन यानी हिस्ट्री का है। अगर जिस तरह से वीडियो बनी, अगर आपको लगे कि इससे अच्छा वीडियो चाहिए तो इससे अच्छा मैं टाइपिंग करने की कोशिश करूँगा और बड़ा अक्षर में लेकर आऊँगा। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुकी है, जिस तरह से देख पा रहे होंगे क्या है कि मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो विशेषता क्या थी मोहनजोदड़ो का, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार जो है पूछा जा चुका है, वही क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे। और दोस्तों अगर आपको चाहिए दूसरा चैप्टर का तो मैं दूसरा चैप्टर का भी लेकर आएंगे। और दोस्तों इन्हीं में से और जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं लेकर आऊँगा, और दोस्तों पूरे किताब का मैं इसी तरह से वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं विशेषताएँ मोहनजोदड़ो की। कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित है यानी नीचे लिखा हुआ है, देखते हैं क्या क्या है। गलियाँ शहर में चौड़ी और सीधी सड़कें थी, ये सड़कें और गलियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। गलियाँ एक दूसरे को वर्गाकार और आयताकार खंडों में काटती थी। गलियों के दोनों ओर सभी घरों के साथ साथ नालियाँ बनी हुई थी, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं पर है अभी। शहर में गलियों का जाल बिछा हुआ था, यानी गलियों का जो है बिल्कुल जाल बिछा हुआ था, काफ़ी गलियाँ था और वहाँ के जो है चौड़ी चौड़ी सड़कें थी और सभी सड़कें जो है गलियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, बिल्कुल सीधी थी। तो काफ़ी ये मोहनजोदड़ो की काफ़ी अच्छी विशेषता है और आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं इसको। अब देखते हैं भवन क्या थी, देखते हैं क्या है। भवन बस्ती को दो भागों में विभाजित किया गया था, एक छोटी बस्ती थी लेकिन उसे ऊंचाई पर बनाया गया था, एक छोटी बस्ती थी जो ऊंचाई पर बनाया गया था, हाँ जी। देखते हैं क्या है, दूसरी बस्ती कहीं अधिक बड़ी थी लेकिन उसे नीचे बनाया गया था। छोटी बस्ती को दुर्ग और निचले बड़ी बस्ती को निचला शहर कहा जाता था। तो दुर्ग भी हम लोग जानते हैं कि छोटी जो बस्ती थी उसको दुर्ग और निचले वाली जो बड़ा शहर था उसे शहर निचला शहर कहा जाता था। दुर्ग की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी हुई थी इसलिए उसकी ऊंचाई अधिक थी जी। दुर्ग को निचले शहर से अलग करने के लिए उसे दीवार से घेर दिया गया था। शहर को भी दीवार से घेर दिया गया था, यानी निचले शहर जो है उसको भी घेर दिया गया था ताकि दोनों को अलग कह सके। तो क्या है, अब घेर दिया गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। कच्ची और पक्की ईंटें एक निश्चित अनुपात होती थी,
प्रत्येक ईंटों की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुना होती थी। तो वहाँ के जो है हड़प्पा सभ्यता के काफ़ी खास विशेषता थी जो दोस्तों बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और दोस्तों काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है अगर आप आसानी से पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों थोड़ा सा जो है कई कई बोलने में गलत हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी देख सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से वीडियो पाने के लिए जो है हमारे चैनल में बने रहिए। आज तक आज का इतना ही वीडियो काफ़ी लंबा हो चुकी है और दोस्तों दूसरा चैप्टर पाने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।